मेहनत का लोहा पिघलता है, तन से फौलाद निकलता है। गेंद नहीं हथियार है ये, हाथ नहीं तलवार है ये। पहचाने नहीं शायद, मैं इंद्रजीत सिंह, नाम में ही जीत है। एथलीट हूं, प्रोफेशनल शॉटपुटर, शायद कहीं तो सुना होगा। 7 किलो का गोला 3 उंगलियों से 21 मीटर से ज्यादा फेंकना आसान नहीं है, पर मैं खेलता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे शो के गेस्ट एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ ये एपिसोड करने में हमारे शो की पूरी टीम खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही है। प्राइड ऑफ आर नेशन स्पोर्ट्समैन मिस्टर इंद्रजीत सिंह। हेलो एवरीवन, मैं इंद्रजीत सिंह, स्पोर्ट्समैन, और मैं द सिंगरौली शो 5th एपिसोड स्पोर्ट्स सेगमेंट जो है उसके लिए धनंजय और उसकी टीम का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मौका दिया मुझे आप सबके बीच बोलने का, सिंगरौली वालों के बीच मुझे मौका दिया कि मैं कुछ कहूं। मेरा जो स्पोर्ट्स कैरियर रहा वो मैंने सिंगरौली से ही शुरू किया। हमारे कोच होते थे रामानंद सर, रामकोच सर आते थे, इंदुबाला मैम जो NCL में कोचेस थे जिन्होंने स्पोर्ट्स को, और वहाँ पे जो छोटे बच्चे थे ग्रास रूट लेवल पे जो मुझे हेल्प चाहिए थी उन्होंने काफ़ी मदद की। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट था, DPS निगाई में मेरी स्कूलिंग हुई, और वहाँ भी जो हमारे प्रिंसिपल थे मिस्टर SS थापर उन्होंने भी स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया और उस जगह से मुझे मौका दिया कि मैं दुनिया में, वर्ल्ड में जाके अपने देश का नाम कर सकूं। तो वहाँ से मुझे एक शुरुआत मिली कि मैं अपने फ्यूचर को और ग्रूम कर सकूं। वो ग्रास रूट लेवल से एक जो पौधा होता है, एक जो स्पोर्ट्समैन को एक स्टार्ट मिलनी होती है वो मुझे वहाँ से मिल चुकी थी। मैंने स्कूल लेवल पे ही काफ़ी नेशनल मेडल्स, इंटरनेशनल को भी टच कर लिया था, और उसके बाद का जो मेरा स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस है मैं वो आप सबसे शेयर करता हूँ। जो मेरा स्पोर्ट्स स्टार्ट एक्चुअल में हुआ वो मैं जब सिंगरौली से बाहर आ गया था, सिंगरौलीज में जो मुझे मेडल मिल गए थे, अवार्ड मिल गए थे, मुझे MP गवर्नमेंट से एकलव्य पुरस्कार मिल गया था जो कि जूनियर का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, माननीय हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान उनके तरफ से हमें वो सम्मान मिला। और उसके बाद MP टीम कैप्टन, MP टीम बेस्ट एथलीट और भी अदर गेम्स जो हमें स्कूल लेवल पे खेलने को मिले तो वो सिंगरौली से हमें एक स्टार्ट मिल गया था। फर्दर मैंने नेशनल लेवल पे जो सीनियर नेशनल्स होते हैं मैंने कोई भी कंपटीशन नहीं छोड़ा, जो भी इंडिया में था जो बाहर था मैंने लगभग सारे वर्ल्ड के भी लगभग, और जो हमारे नेशनल्स होते हैं लगभग सारे कॉम्पिटिशन मैंने खेले। और उनमें से अगर मैं 2-4 कॉम्पिटिशनों का बताऊँ तो हमारे 4 नेशनल होते हैं, इंटर स्टेट, ओपन नेशनल, फेडरेशन कप, नेशनल गेम्स, तो चारों का मैंने 2015 में मीट रिकॉर्ड ब्रेक किया, चारों के रिकॉर्ड मेरे नाम पे हुए। और उसके बाद मैं उसमें बेस्ट एथलीट भी कई बार रहा और मुझे मौका मिला इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने का भी, और मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली जिसमें शॉट पुट इवेंट जो मेरी गेम है उसका मैं पहला इंडियन एथलीट था जो उसके फाइनल को टच किया था। और उसके बाद मैंने एशियन चैम्पियनशिप खेला, एशियन चैम्पियनशिप में भी जाके मैंने वहाँ का नया मीट रिकॉर्ड बना दिया उस, और एशिया का नंबर 1 खिलाड़ी हो गया। और एशिया में नंबर 1 होने के बाद मेरी वर्ल्ड रैंकिंग पहले 10 लोगों में भी आई है। और जो मेरे बेस्ट परफॉर्मेंस रही वो मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि हमारा कभी मेडल नहीं था वहाँ पे, तो आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट मेडल इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। पहले बार मैं उसमें सिल्वर लेके आया। सेकंड टाइम आई वाज द ओनली इंडियन टू गेट द गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। और मैं सारे अपने सिंगरौली वासियों का धन्यवाद करता हूँ उनका प्यार जो मिला मुझे। और दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कम सेकेंड आफ्टर ओलंपिक्स इन द वर्ल्ड, तो वो काफ़ी बड़ी गेम्स होती हैं, उसमें मेडल लेना ही जब उसके फाइनल तक ही पहुंचना बड़ा होता है, तो मैंने वहाँ भी काफ़ी अच्छा किया और फर्स्ट इंडियन रहा जिसने ये अचीवमेंट्स को लिया। और उसके बाद मेरे स्पोर्ट्स कैरियर में बहुत से मेडल हैं, नेशनल गेम्स का मैं चैम्पियन था, मीट रिकॉर्ड था, और मेडल थे, एशियन गेम्स में मेरा
ब्राउन्स रहा, उसमें भी मैंने अच्छा किया। मेरी एशियन ग्रैंड प्रिक्स में जो 10 दिन के इवेंट थे, लगातार मैंने 10 दिन में 3 कॉम्पिटिशन खेले और तीनों कॉम्पिटिशन में मेरे गोल्ड मेडल थे, जिसके साथ मैंने नया रिकॉर्ड भी बनाया था। और ये कुछ मेरी जो अचीवमेंट्स रही हैं वो मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। उसमें आप लोगों का प्यार सहयोग मिला, कहीं ना कहीं दिल में एक प्यार तो है ही सिंगरौली से, क्योंकि मेरे दादाजी, पिताजी, ब्रदर सब वहीं से हैं। बहुत से लोग मुझे वहाँ जानते हैं, मुझे प्यार करते हैं जब भी मैं सिंगरौली आता हूँ, चाहे वहाँ DC हों, चाहे वहाँ पे SP हों, चाहे वहाँ पे NCLs के ऑफिसर्स हों, वो मुझे बुलाते रहते हैं। सिंगरौली से एक ऐसा नाता है जो कभी टूट नहीं सकता। मेरी स्कूलिंग हुई है वहाँ से, मेरे बैचमेट्स, मेरे फ्रेंड्स जो बोलते हैं ना, स्कूल के फ्रेंड्स जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, वो आपको लाइफ में जो वो आपका रोल एक अदा करते हैं वो। और दूसरा आपको मोटिवेशन, अगर हम कई कहते हैं, अब लोगों ने थोड़ा एक व्यू बदल लिया है कि हाँ एजुकेशन है, पर एजुकेशन के साथ साथ हम स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर सकते हैं। देश वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और हम इसको एक करियर ऑप्शन बना सकते हैं। और मैंने देखा है कि हाँ, हमारे सिंगरौली से बहुत से ऐसे लोग जो बहुत अच्छा किए हैं अपने अपने फील्ड में, तो एक ऑप्शन हम स्पोर्ट्स को भी बना सकते हैं। बहुत से मेरे साथ भी एथलीट थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत सी जॉब ली और वो अच्छा कर भी रहे हैं। और हमारे जो सिंगरौली शो जो कर रहे हैं धनंजय, ये भी एक स्पोर्ट्समैन थे हमारे साथ, ग्राउंड में प्रैक्टिस भी हमने साथ में करी है। एट द लास्ट मैं सारे सिंगरौली वासियों का धन्यवाद करता हूँ, सारे ऑफिशियल्स का और जो इस शो को कंटिन्यू कर रहे हैं उनका, द सिंगरौली शो जो कर रहे हैं उनका। और सबसे बड़ी चीज़ एट द लास्ट मैं ये कहूँगा, मेरे पिताजी और मेरे ब्रदर मुझे हमेशा से हेल्प किए हैं, उन्होंने हमेशा चाहा कि मैं अच्छा करूँ, बहुत से उन्होंने सेक्रीफाइस किए मुझे यहाँ तक लाने में। और एट द लास्ट मैं अपने स्पॉन्सर प्रो एथलीट, जिसको मैं हाथ में ले रहा हूँ काफ़ी देर से, ये प्रो एथलीट है, ये मेरे स्पॉन्सर्स हैं फॉर कमिंग गेम्स और ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, और मैं इनका भी थैंक यू करना चाहूँगा आप सबके उससे। और मैं अपनी कंपनी जहाँ मैं अभी जॉब कर रहा हूँ उनका भी थैंक यू करता हूँ, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उनका भी मैं थैंक यू करता हूँ और उनकी सपोर्ट के उससे। थैंक यू सर इस शो का हिस्सा बनने के लिए। दी सिंगरौली शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। अंत में एक जरूरी बात, सिंगरौली में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।